शिक्षा के मंदिर में जब एक शिक्षक दूसरे शिक्षक की पिटाई करने लगे तो आप क्या कहेंगे? स्कूल में सही समय पर शिक्षक शिक्षिकाएं ही ना पहुंचे तो आप क्या कहेंगे? इसी को लेकर विद्यालय की प्रधान अध्यापिका ने लेट आने वाली महिला शिक्षकों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन शिक्षिकाएं नहीं मानी तो इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी से कर दी। इससे आक्रोशित होकर शिक्षिकाओं ने शुक्रवार को विद्यालय की हेडमास्टर को कमरे में बंद कर उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद आरोपी महिला शिक्षिकाओं को पद से हटाने को लेकर गांव के लोग अड़े हुए हैं। पूरा मामला राजधानी पटना से सटे विक्रम प्रखंड के निसरपुरा गांव स्थित बुनियादी विद्यालय का है। विद्यालय में प्रधान अध्यापिका को मिलाकर कुल 7 टीचर हैं। इसमें 3 महिला टीचर हैं। तीनों महिला टीचर अक्सर सही समय पर स्कूल नहीं आती हैं और हाजिरी भी नहीं बनाती हैं। इसे लेकर विद्यालय की हेडमास्टर शारदा कुमारी ने इनको कई बार समझाया और पूछा भी, इसके बावजूद भी महिला शिक्षकों ने उनकी बात नहीं मानी। इससे परेशान होकर हेडमास्टर ने इनकी शिकायत स्थानीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कर दी। इससे आक्रोशित होकर विद्यालय के शिक्षिका रानी कुमारी, रीतू कुमारी और रूपा कुमारी ने प्रिंसिपल शारदा कुमारी को स्कूल के कमरे में बंद कर जमकर उनकी पिटाई कर दी। उनके बैग से 1000 रुपए लेकर भी चली गई। इसके बाद आसपास के ग्रामीण स्कूल में पहुंचकर आरोपी महिला शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की टीम विद्यालय पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी शिक्षिकाएं फरार हो गई थी। बता दें कि पीड़ित हेडमास्टर शारदा कुमारी का कहना है कि तीनों महिला टीचर स्कूल में ही काम करते हैं, समय पर विद्यालय नहीं आती हैं, समझाने पर भी नहीं मानती हैं, जिसके कारण इनकी शिकायत स्थानीय पदाधिकारी से कर दी गई। इसी वजह से तीनों महिला टीचरों ने उनकी पिटाई कर दी है और उनके 1000 रुपए लेकर भी चली गई। गांव के लोगों ने उन्हें बचाया, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और पदाधिकारी को दी। साथ ही स्थानीय थाना में शिक्षिकाओं के खिलाफ आवेदन भी दिया है। घटना की पुष्टि करते हुए विक्रम के थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि निसरपुरा गांव स्थित बुनियादी विद्यालय की महिला प्रधान अध्यापिका शारदा कुमारी की ओर से आवेदन दिया गया है। उन्होंने बताया है कि उनके विद्यालय के 3 शिक्षिकाओं ने उनके साथ मारपीट की है। आवेदन के अनुसार पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।